नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का 29वां भाग। छोटे लाल साहब आज पधारेंगे, इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब ठीक 10:30 बजे इजलास पहुंच गए, जिससे दिन का काम जल्दी निपटा लें। कॉलेज की लड़कियों की ओर से पैरवी करते हुए सात कौड़ी बाबू ने अपने दोस्त को भी बचाने की चेष्टा की। मामले का रुख देखकर उन्होंने समझ लिया था कि अपराध स्वीकार करना ही यहाँ फायदेमंद होगा। लड़के मनचले होते ही हैं, वे अभी निर्बोध हैं, इत्यादि दलीलें देकर उनकी ओर से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। मजिस्ट्रेट ने विद्यार्थियों को जेल ले जाकर प्रत्येक की उम्र और उनके अपराध के अनुसार 5 से लेकर 25 तक बैंत लगाने की सजा सुना दी। गोरा का कोई वकील नहीं था, खुद अपनी पैरवी करते हुए पुलिस के अत्याचार के बारे में उसके कुछ कहने की शुरुआत करते ही मजिस्ट्रेट ने तिरस्कार पूर्वक उसे रोक दिया और पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने के अपराध में उसे 1 मास के कठिन कारावास की सजा सुनाते हुए यह भी कह दिया कि इतनी हल्की सजा देकर वह विशेष दया दिखा रहे हैं। सुधीर और विनय अदालत में उपस्थित थे। विनय गोरा के मुख की ओर नहीं देख सका, मानो उसका दम घुटने लगा। वह जल्दी से कचहरी से बाहर निकल आया। सुधीर ने उसे डाक बंगले पर लौटकर स्नान भोजन करने का अनुरोध किया, पर वह उसे अनसुना करके मैदान पार करते करते राह में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुधीर से बोला, तुम डाक बंगले लौट जाओ, मैं बाद में आऊंगा। सुधीर चला गया। कितना समय ऐसे ही बीत गया, इसका विनय को होश ही न रहा। सूर्य शिखर तक पहुंचकर पश्चिम की ओर उतरने लगा था, तब एक गाड़ी ठीक उसके सामने आकर रुकी। मुंह उठाकर विनय ने देखा, सुधीर और सुचरिता गाड़ी से उतरकर उसकी ओर आ रहे थे। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। सुचरिता के पास उतरकर आने पर वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और सुचरिता ने पास आकर स्नेह भरे स्वर में कहा, विनय बाबू चलिए। सहसा विनय ने लक्ष्य किया कि वे राह चलते लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गए हैं, इसलिए जल्दी से वह गाड़ी में सवार हो गया। सारे रास्ते कोई भी कुछ बात न कर सका। विनय ने डाक बंगले पर पहुंचकर देखा, वहां लड़ाई चल रही है। ललिता इस बात पर अड़ी हुई थी कि किसी तरह वह मजिस्ट्रेट के घर नहीं जाएगी। वरदा सुंदरी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। हरान बाबू ललिता जैसी बच्ची के इस असंगत विद्रोह के क्रोधावश पागल हो रहे थे। बार बार वह कहे जा रहे थे, आजकल के लड़के लड़कियां न जाने क्यों ऐसे बिगड़ रहे हैं, कोई अनुशासन ही नहीं मानना चाहता। ऐसे गैर लोगों की संगत में फिजूल बातचीत करते रहने का यही नतीजा होता है। ललिता ने विनय के आते ही कहा, विनय बाबू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके निकट भारी अपराध किया है। तब आपने जो कुछ कहा था मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। हम लोग बाहर की हालत बिल्कुल नहीं जानती, इसीलिए ऐसा उलट समझ लेती हैं। पानू बाबू कहते हैं भारतवर्ष में मजिस्ट्रेट का यह शासन नीति विधान है। ऐसा है तो फिर इस शासन को तन मन वचन से शाप देने की इच्छा जगाना भी उसी नियति का ही विधान है। हरान बाबू बिगड़ कर कहने लगे, ललिता तुम। हरान बाबू की ओर पीठ फेर कर खड़े होते ही ललिता ने कहा, चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। विनय बाबू किसी की मत सुनिएगा, आज अभिनय किसी तरह नहीं हो सकता। जल्दी से वरदा सुंदरी ने ललिता की बात काटते हुए कहा, ललिता तू तो बड़ी अजीब लड़की है, विनय बाबू को आज नहाने खाने भी नहीं देगी। 1:30 बज गया है, उसकी भी खबर है, देख तो उनका चेहरा कैसा सूख रहा है। विनय ने कहा, हम लोग यहां उसी मजिस्ट्रेट के मेहमान हैं, इस घर में मेरा स्नान भोजन अब नहीं हो सकेगा। वरदा सुंदरी ने विनय को समझाने की बड़ी कोशिश की, खुशामद भी की। लड़कियों को चुप देखकर उन्होंने बिगड़ कर कहा, तुम सबको हुआ क्या है? सुची विनय को जरा तुम ही समझाओ ना, हम लोगों ने वायदा किया है, इतने लोग बुलाए गए हैं, आज तो किसी तरह निभाना ही होगा, नहीं तो वे लोग सोचेंगे भला, फिर कभी उनके सामने मुंह न दिखा सकेंगे।
चुपचाप सुचरिता सिर झुकाए बैठी रही। नदी दूर नहीं थी। विनय स्टीमर घाट की ओर चला गया। स्टीमर लगभग 2 घंटे बाद छूटेगा। कल 8 बजे के लगभग कलकत्ता पहुंच जाएगा। उत्तेजित होकर हरान बाबू विनय और गौरा की बुराई करने लगे। सुचैता ने जल्दी से कुर्सी से उठकर साथ के कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ही ललिता ने किवाड़ ठेलकर कमरे में प्रवेश किया तो देखा दोनों हाथों से मुंह ढके सुचैता बिस्तर पर पड़ी है। ललिता ने भीतर से दरवाजे बंद कर लिए और सुचैता के पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर के बालों को उंगलियों से सहलाने लगी। बहुत देर बाद सुचैता जब शांत हुई तब जबरदस्ती उसके हाथ चेहरे के सामने से हटाकर ललिता उसके कान में मुंह सटाकर कहने लगी, दीदी चलो हम लोग यहाँ से कलकत्ता लौट चले, आज मजिस्ट्रेट के यहाँ तो नहीं जा सकते। सुचैता ने बहुत देर तक इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ललिता जब बार बार कहने लगी तो वो बिस्तर से उठ बैठी और बोली, यह कैसे हो सकता है री, मेरी तो आने की जरा भी इच्छा नहीं थी। जब बाबा ने भेज दिया तब जिस काम के लिए आई हूँ वह पूरा किए बिना कैसे लौट सकती हूँ। ललिता ने कहा, बाबा ये सब जानते कहाँ थे, जानते तो कभी हमें यहाँ रुकने को ना कहते। सुचैता ने कहा, यह मैं कैसे जानूँ भला। ललिता, दीदी तो क्या जा सकेगी, कैसे जाएगी भला, फिर बन ठन कर स्टेज पर खड़े होकर कविता सुनानी होगी, मेरी तो जबान कट जाए तब भी बात नहीं निकलेगी। सुचैता ने कहा, वह तो जानती हूँ बहन, लेकिन नरक यंत्रणा भी सहनी होती है, अब तो और कोई चारा नहीं है, आज का दिन जीवन भर नहीं भूल सकूंगी। ललिता सुचैता की इस बेचारगी पर बिगड़ कर बाहर निकल गई। जाकर माँ से बोली, माँ क्या तुम जा नहीं रही। वरदा सुंदरी ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई है, रात को 9 बजे के बाद जाना है। ललिता ने कहा, मैं कलकत्ता जाने की बात कर रही हूं। वरदा सुंदरी, जरा इस लड़की की बात तो सुनो। सुधीर से ललिता ने पूछा, सुधीर तो तुम भी यहीं रहोगे। गोरा की सजा से सुधीर का मन व्याकुल जरूर था, लेकिन बड़े बड़े साहबों के सामने अपनी विद्या दिखाने का लोभ छोड़ देना उसके वश की बात नहीं थी। उसने कुछ अस्पष्ट सा गुनगुना दिया जिसे यही समझ में आया कि उसे संकोच तो है पर वो यहीं रहेगा। वरदा सुंदरी ने कहा, गड़बड़ी में इतनी देर हो गई, अब और देर करने से नहीं चलेगा, अब 5:30 बजे तक बिस्तर से कोई उठ ना सकेगा, सबको आराम करना होगा, नहीं तो रात को थकान से मुंह सूख जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने यों कह कहकर सबको जबरदस्ती सोने के कमरों में ले जाकर लिटा दिया। सभी सो गए, केवल सुचैता को नींद न आई और दूसरे कमरे में ललिता भी अपने बिस्तर पर बैठी रही। रह रह कर स्टीमर की सीटी सुनाई देने लगी। जब स्टीमर छूटने ही वाला था और खलासी सीढ़ी उठाने की तैयारी कर रहे थे तब डेक से विनय ने देखा, एक भद्र महिला तेजी से जहाज की ओर बढ़ी जा रही है। उनकी वेशभूषा से वे विनय को ललिता सी ही जान पड़ी, किंतु सहसा वो ऐसा विश्वास नहीं कर सका। अंत में ललिता के निकट आ जाने पर जब बिल्कुल संदेह न रहा तब उसने एक बार सोचा कि शायद ललिता उसे लौटा ले जाने के लिए आई हो। लेकिन ललिता ही तो मजिस्ट्रेट का निमंत्रण न मानने के लिए आ रही हुई थी। ललिता स्टीमर पर सवार हो गई, खलासियों ने सीढ़ी उठा ली। शंकित सा विनय ऊपर डेक से नीचे उतरकर ललिता के सामने आ खड़ा हुआ। ललिता बोली, मुझे ऊपर ले चलिए। विस्मित होकर विनय ने कहा, जहाज तो छूट रहा है। ललिता बोली, मैं जानती हूं, और विनय की प्रतीक्षा न करके सामने की सीढ़ी से ऊपर चली गई। स्टीमर सीटियां देता हुआ चल पड़ा। पहले दर्जे के डेक पर ललिता को आराम कुर्सी पर बैठाकर विनय चुपचाप प्रश्न भरी आंखों से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। ललिता ने कहा, मैं कलकत्ता जाऊंगी, यहां मुझसे किसी तरह नहीं रहा जाएगा। विनय बोला,
और वे सब? ललिता ने कहा, अभी तक किसी को मालूम नहीं है, मैं चिट्ठी रख कर आई हूं, पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ललिता के इस दुस्साहस से विनय चकित हो गया। सकुचाता हुआ कहने को हुआ, किंतु जल्दी से ललिता ने उसे टोकते हुए कहा, जहाज तो छूट गया, अब किंतु परंतु को लेकर क्या होगा? लड़की होकर जन्मी हूं, इसीलिए चुपचाप सब सह लेना होगा, ऐसा नहीं मानती। हमारे लिए भी न्याय अन्याय और संभव असंभव है। आज के न्योते में अभिनय करने जाने से आत्महत्या कर लेना मेरे लिए कहीं ज्यादा सुखद है। विनय ने समझ लिया कि जो होना था वह हो गया। अब इस काम की अच्छाई बुराई सोचकर मन को उलझाने से कोई लाभ नहीं। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता ने कहा, देखिए, आपके मित्र गौर मोहन बाबू के प्रति मन ही मन मैंने बड़ा अन्याय किया था। न जाने क्यों शुरू से ही उन्हें देखकर, उनकी बातें सुनकर मेरा मन उनके विरुद्ध हो गया था। वह बहुत ज्यादा जोर देकर अपनी बात कहते थे और आप सब लोग मानो उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे। मुझे यह सब देखकर गुस्सा आता रहता था। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जब देखती हूँ कि कोई बात में या व्यवहार में जोर दिखा रहा है तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। लेकिन गौर मोहन बाबू केवल दूसरों पर ही जोर नहीं दिखाते, अपने को भी वो वैसे ही काबू में रखते हैं। यही सच्ची ताकत है, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। ललिता इस प्रकार बोलती ही चली गई। केवल गोरा के बारे में उसे अनुताप हो रहा हो, इसीलिए यह सब बातें कह रही हो, बात इतनी ही नहीं थी। वास्तव में उसने जोश में आकर जो काम कर डाला था, उसका संकोच ही उसके मन में भीतर उमर आना चाहता था। बार बार यह दुविधा मन में उठ आती थी कि यह काम शायद ठीक नहीं हुआ। विनय के साथ स्टीमर पर ऐसे अकेले बैठे रहना कितने असमंजस की बात हो सकती है, इससे पहले यह वह सोच नहीं सकी। लेकिन लज्जा दिखाने से तो यह मामला और भी लज्जाजनक हो जाएगा, इसीलिए वह प्राणपण से चेष्टा करके बातें किए जा रही थी। विनय के मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। एक ओर गोरा का दुख और दूसरी ओर इस बात की ग्लानी को लेकर इस आकस्मिक परिस्थिति का संकट, सबने मिलकर विनय को मूक कर दिया था। पहले कभी ऐसा होता तो ललिता के इस दुस्साहस पर विनय के मन में तिरस्कार का ही भाव उदित होता, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसके मन में जो विस्मय उदित हुआ था उसमें श्रद्धा भी मिली हुई थी, साथ ही एक आनंद भी था कि उनके सारे गुट में गोरा के अपमान के प्रतिकार की, चाहे सामान्य प्रतिकार भी हो, चेष्टा करने वाले केवल विनय और ललिता ही थे। विनय को तो इसके लिए विशेष कुछ तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन ललिता को अपने काम के फल स्वरूप बहुत दिनों तक काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। और इसी ललिता को बराबर विनय गोरा का विरोध समझता आया था। विनय जितना ही सोचता रहा उतना ही ललिता के इस बिना अंत सोचे समझे साहस पर और अन्याय के प्रति एकांत घृणा के भाव पर विनय की श्रद्धा होने लगी। कैसे क्या कहे, वह इस श्रद्धा को प्रकट कर सकता है, कुछ सूझ नहीं सका। उसके मन में बार बार यह बात आने लगी कि ललिता उसे जो साहसहीन और दूसरों का मुंह जोहने वाला कहकर तिरस्कार करती थी वह ठीक ही था। वह तो कभी किसी विषय में भी अपने सब आत्मीय बंधुओं की निंदा प्रशंसा की उपेक्षा करके साहसपूर्ण आचरण के द्वारा अपना मत प्रकाशित नहीं कर सकता। उसने जो कई बार गोरा को कष्ट पहुंचने के डर से अथवा कहीं गोरा उसे कमजोर न समझ ले इस आशंका से अपने स्वभाव का अनुसरण नहीं किया, और कई बार बाल की खाल उतारने वाली दलीलों से अपने को यह भुलावा देने की चेष्टा की कि गोरा की राय उसकी राय है, आज मन ही मन यह स्वीकार करके उसने ललिता को उसके स्वाधीन बुद्धि बल के कारण अपने से कहीं श्रेष्ठ मान लिया। इससे पहले वह मन ही मन अनेक बार ललिता की बुराई भी करता रहा था, यह याद करके उसे शर्म आने लगी। उसने यहां तक चाहा कि ललिता से क्षमा मांग ले, किंतु कैसे क्षमा मांगे यह वह नहीं सोच सका। ललिता की कमनीय स्त्री मूर्ति अपने आंतरिक तेज के कारण विनय की आंखों में ऐसी महिमामयी होकर दिखाई दी
कि नारी के इस अपूर्व परिचय से विनय ने अपने जीवन को धन्य माना। अपने सारे घमंड, सारी क्षुधा को उसने इस माधुर्य मंडित शक्ति के आगे उत्सर्ग कर दिया। धन्यवाद।